दोस्तों, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप लड़के हैं या फिर लड़की। अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या, डैंड्रफ रहता है आपको, हद से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, आप नहाते हैं उसके बाद आपके बाल गिरते हैं, रात को सोते हैं, आदमी डिप्रेशन में चले जाता है ना, काफ़ी टेंशन हो जाती है, डलनेस फीलिंग होती है, बाहर जाने का मन नहीं करता, पार्टीज़ में जाने का मन नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube पर बाद में भी कभी देखने को मिलेगी और आज से पहले भी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये मेरी खुद की टिप्स नहीं है, जो भी बड़े बड़े योग गुरु हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जैसे कि पतंजलि योग गुरु, उसके बाद भागवत जी, उन्होंने ये टिप्स आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऑलरेडी गंजापन का शिकार हो चुके हैं, अगर आपके बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़कों में क्या होता है कि आगे वाले हिस्से से बाल झड़ जाते हैं पूरी तरह से, है ना, टकले हो जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है, जैसे वो नहाने जाती हैं, कंघी करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाल हाथ में आते हैं। अगर आप बालों की रीग्रोथ करना चाहते हैं, फिर से नए बाल उगाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो 100% पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये नुस्खा बनाना सिखाऊंगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 3-4 चीज़ों का। उसके साथ साथ अगर आप मेरी कुछ बताई गई टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे, जैसा कि आपको कौन कौन सा योगा करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए आपको, पूरे दिन का लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, किस पानी से अपने बालों को धोना चाहिए, किस तरह से हेयर की केयर करनी चाहिए, अगर आप उन टिप्स को फॉलो नहीं करते तो आपके नए बाल नहीं आएंगे, प्लस इस नुस्खे का भी कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ उन टिप्स को भी ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये नुस्खा बनाना सीख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक बाउल में 1 चम्मच पानी ले लिया है, उसके बाद में 1 चम्मच दही लेने वाला हूँ। अगर आप लड़के हैं तो 1 ही चम्मच दही लें, अगर आप लड़की हैं तो अपने बालों के अनुसार 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, है ना, जितने आपके बालों की वॉल्यूम है उतना आपको ले लेना है। मैं सिर्फ 1 ही चम्मच ले रहा हूँ। तो पानी और दही को अच्छे से मिक्स करना है आपको, ताकि जो दही है वो फूट जाए अच्छे से, है ना। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने दिव्य केश तेल लिया, ये आपको पतंजलि के बाबा रामदेव जी के स्टोर पे मिल जाता है, मैंने 1/2 चम्मच इसमें दिव्य केश तेल मिलाया है, काफ़ी अच्छा होता है, इसमें 27 से 28 जड़ी बूटियाँ होती हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नारियल का तेल मिलाने वाला हूँ, है ना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं नारियल का तेल। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा होता है, आपको नहाने से पहले ना ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ अपने बालों पे लगा के 1/2 घंटा छोड़ देना। ये क्या करेगा आपके बालों में, इसको मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को, ब्लड सर्कुलेशन को भी काफ़ी अच्छा करने में मदद करता है। प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी इसके बीच में आपको एलोवेरा जेल मिलानी है। एलोवेरा जेल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीसेप्टिक होता है ये, प्लस आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी मिलाई है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, साथ में मुल्तानी मिट्टी में मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों, हमारा ये फॉर्मूला अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, काफ़ी स्मूथ बना है। मैक्सिमम वीक में 1 से 2 टाइम्स आपको इसको अप्लाई करना है, किसी भी कॉटन की मदद से, रुई की मदद से जड़ों पे लगाएं, है ना, फिर उसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से, बेबी शैम्पू से, बिना केमिकल वाले आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बालों को धो लें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबा रामदेव जी की टिप्स के बारे में। अगर आप उन टिप्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये जो मैंने आपको पूरा नुस्खा बताया ना, इसका आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो प्लीज़ टिप्स को फॉलो करें। सबसे पहली टिप, आपको नल के पानी से, टंकी के पानी से अपने बालों को बिल्कुल भी नहीं धोना, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, आपके बालों में ब्लॉकेज कर देंगे, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ बॉइल्ड पानी करें, उसके बाद उसको ठंडा करें, तब जाके अपने बालों को धोएं, नहीं तो एक्वे प्योर के पानी से धोएं, नहीं तो पीने लायक पानी से धोएं प्लीज़ अपने बालों को। दूसरी टिप, आपको कैसे भी करके रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के आपको योग और प्राणायाम करने हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बालों के लिए कौन से योग और प्राणायाम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और बालायाम, जिसकी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं बालों के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा होता है। आपके बालों के लिए सबसे अच्छा आसन होता है हेड स्टैंड, जिसको हम शीर्षासन बोलते हैं। सबकी वीडियोस आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगी, प्लीज़ जाकर देखें और आज से ही करना शुरू कर दें, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरी बताई गई सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया, ये नुस्खा बताया, बाकी टिप्स बताई, तो 100% आपके बाल झड़ने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।